हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको तीन ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स बताने वाला हूँ भाई, जिसमें आप लोग वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसे लगा सकते हो। बेहतरीन वेल्थ क्रिएट करके देंगे दिग्गज स्टॉक, बट इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के स्टिक लेके बैठना पड़ेगा। अगर आप लोग 1,00,000% रिटर्न बनाना चाहते हो तो स्टॉक्स में जोड़ पैसे लगाओ, बट अगर भाई आप लोग 1,00,000% रिटर्न बना दो तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एटलीस्ट स्टॉक्स में 15-20 सालों के लिए इन्वेस्टेड रहना होगा, तभी जाके एक अच्छी वेल्थ आप लोग यहाँ से जनरेट कर पाओगे, मल्टी बैगर रिटर्न्स क्रिएट कर सकते हो। अगर अब तक भाई आप लोग स्टॉक्स में पैसे नहीं लगाए तो जोड़ पैसे लगाइए, फ्यूचर मल्टी बैगर स्टॉक है। बेहतरीन वेल्थ अगर जनरेट करना चाहते हो तो जोड़ पैसे लगा के रख दो अभी से आप लोग। तो चलिए बेटा स्टार्ट करो, जानते हैं तीनों दिग्गज स्टॉक्स के बारे में भाई। तो मैंने जो पहला दिग्गज स्टॉक चूज किया भाई, मार्केट कैपिटल आप लोग देख लो, 4,244 करोड़ का मार्केट कैपिटल का। मैंने सभी एक स्मॉल कैप स्टॉक है, बट कुछ दिन बाद ये भी मिड कैप स्टॉक बन जाएगा, तो आप लोग जोड़ पैसे लगाओ स्टॉक्स में। बात कीजिए करंट प्राइस की, तो 1330 का करंट प्राइस है, की बात कीजिए 1475 का 52 भी आई और 52 भी क्लियर 722 का। वहीं आर ओ सी की बात कीजिए भाई, तो 55.9% का आ रही, आर ओ सी 57.4% का है, दोनों शानदार भाई। डेप्ट की बात किया जाए तो 199 करोड़ का डेप्ट इनके पास, और रिजर्व कितना है 415 करोड़ का रिजर्व ऑलरेडी इस कंपनी के पास, मीन्स डेप्ट फ्री कंपनी का, पैसे का डेप्ट इनके पास, जो पॉजिटिव बात होती है भाई। तो आप लोग स्टॉक्स में पैसे लगा सकते हो। वहीं बात की जब प्रॉफिट ग्रोथ की, तो 128% के शानदार प्रॉफिट ग्रोथ आपको डिलीवर करते हुए दिखा, देख सकते हो आप लोग। फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 का फेस वैल्यू चल रहा है, मैं स्प्लिट प्लस बोनस फ्यूचर डिलीवर करके भी देंगे। वहीं बात करें स्टॉक के पिछले सालों के मोमेंटम की, ट्रेंड की, तो मोमेंटम में आप लोग देख सकते हो पिछले सालों का काफ़ी अच्छे मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिला है, पिछले सालों के अंदर आप लोग देख सकते हो। बट फिलहाल स्टॉक्स में थोड़ी कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, आप लोग देख सकते हो। तो अगर आप लोग स्टॉक्स में अब तक इन्वेस्टेड नहीं है, पैसे नहीं लगाए हो, तो जोड़ पैसे लगा के छोड़ सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। एटलीस्ट जो भी पैसा आप लोग इस दिग्गज स्टॉक्स में लगाइए भाई, वो 7-10 सालों के लगाइए एटलीस्ट, तभी जाकर आप लोग एक अच्छी वेल्थ यहाँ से जनरेट कर पाओगे। वहीं बात करें स्टॉक के क्वार्टर रिजल्ट्स की, तो क्वार्टर रिजल्ट्स भी आप लोग देख सकते हो, बेहतरीन क्वार्टर रिजल्ट्स आपको डिलीवर करते हुए दिखा। सेल्स की बात किया जाए तो 51 करोड़ से सेल्स इंक्रीज हो गए, 231 करोड़ के हो चुके हैं, अच्छे इंक्रीजमेंट इनके बिक्री में देखने को मिला है। वहीं बात किया जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 12 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो गए, 88 करोड़ के हो चुके हैं, इसमें भी अच्छे इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, आप देख सकते हो। बट पिछले क्वार्टर से आप देख सकते हो इस क्वार्टर में थोड़े कम इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, बट ओवरऑल बेहतरीन भाई। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट में आप लोग देख सकते हो 202 करोड़ से नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गए, 227 करोड़ के हो चुके हैं, इसमें भी अच्छे इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, देख सकते हो आप लोग। सीजा हिस्ट्री की बात किया जाए तो सीजा हिस्ट्री भी देख लीजिए, 10 ईयर का सीजा शो नहीं गया, स्टॉक की लिस्ट भी 10 ईयर्स नहीं हुई, इसलिए बात करें पिछले 5 सालों के सीजा की, तो 85% सीजा आपको पिछले 5 सालों में डिलीवर करते हुए दिखाएं। 3 सालों के सीजा की बात किया जाए 171% सीजा आपको पिछले 3 सालों में डिलीवर करते हुए दिखाई देगा स्टॉक, और 1 सालों के सीजा की बात किया जाए 62% रिटर्न आपको ऑलरेडी डिलीवर करके दे चुका है 1 सालों के अंदर। वहीं बात करें स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की भाई, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप लोग देख सकते हो, प्रोमोटर के पास जोड़े हैं स्टॉक में वो 53.01% की होल्डिंग प्रोमोटर लेके बैठे हैं, एफआईज ने 0.58% की होल्डिंग लिया है, और डीएफआईज के पास जो होल्डिंग है वो कुछ भी नहीं है स्टॉक में, और पब्लिक के पास जो स्टेक है 46.41% की होल्डिंग पब्लिक ऑलरेडी लेके बैठे हो, आप लोग देख सकते हो। आप लोग देख सकते हो प्रोमोटर ने काफ़ी अच्छा स्टेक स्टॉक में लेके बैठे हो, जो पॉजिटिव आता है स्टॉक की ग्रोथ के लिए। चलिए जान लेते हैं स्मार्टी बैगर स्टॉक का नाम क्या भाई। तो मैंने जो पहला दिखे स्टॉक चूज किया, स्टॉक का नाम आप लोग के स्क्रीन के सामने आ चुका है, शेयर इंडिया सिक्योरिटी लिमिटेड, बेहतरीन मल्टी बैगर स्टॉक भाई, ब्रोकिंग कंपनी, ऑनलाइन बिजनेस इनका। अगर आप लोग अब तक शेयर इंडिया में पैसे नहीं लगाओ तो जोड़ पैसे लगाइए, बेहतरीन वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है। बात करें शेयर इंडिया के आज के मोमेंटम की, तो 4.45% का शेयर स्टॉक में देखने को मिला है। बात किया जाए पिछले सालों रिटर्न्स की, 70% रिटर्न्स आपको पिछले सालों में डिलीवर करते हुए दिखा, आप देख सकते हो। वहीं बात करें पिछले 400 रिटर्न्स की, 1559% रिटर्न आपको पिछले 4 साल में डिलीवर करते हुए दिखा, साथ ही पैसा लगभग 17 गुना ऑलरेडी कर चुका है, 17 गुना पैसा करते हुए दिखा 4 सालों के अंदर। तो आप लोग शेयर इंडिया सिक्योरिटी में वेल्थ क्रिएशन के जोड़ पैसे लगाइएगा, बेहतरीन वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है भाई। हाल ही में मैं पेड स्टार्ट किया, जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करना है पेड से चाहिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा बेहतरीन पोर्टफोलियो क्रिएट कर दूँ। जिनको भी पोर्टफोलियो बनवाना है पेड से ही चाहिए मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा हूँ, मेल कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो।
तो मैंने जो दूसरा दिखा स्टॉक जो है मार्केट कैपिटल, आप लोग देख दो 13,397 करोड़ का मार्केट कैपिटल इनका, मीन्स ये मिटका भी स्टॉक है। तो आप लोग स्टॉक्स में 40-50 हज़ार रुपये लगा के भूल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। करंट प्राइस की बात किया 1600 वाट का करंट प्राइस है, उड़ाई की बात किया भाई 2022 का 52 आई है और 52 किलो है 990 का, वहीं बात किया जाए आदोई की तो आदोई आप लोग देख सकते हो 46% का आदोई, आदोसी 35.5% का, दोनों शानदार भाई देख सकते हो। डेप्ट इनके ऊपर 3,032 करोड़ का और रिजर्व भी इतना है 1804 करोड़ का रिजर्व ऑलरेडी है, मीन्स कुछ खास डेप्ट नहीं भाई, इतना डेप्ट चलता है। वहीं बात किया जाए प्रोमोटर की होल्डिंग की, 43.8% की होल्डिंग प्रोमोटर ऑलरेडी देखे बैठे हैं। वहीं बात की जाए फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू भी देख सकते हो 10 का फेस वैल्यू चल रहा है, मीन्स स्प्लिट प्लस बोनस फ्यूचर में डिलीवर करके देंगे। वहीं बात करें स्टॉक की भाई क्वार्टर रिजल्ट्स की, तो क्वार्टर रिजल्ट्स पे आप लोग देख लीजिए काफ़ी अच्छे इंक्रीजमेंट इनके सेल्स में देखने को मिला, आप देख सकते हो 172 करोड़ से सेल्स इंक्रीज हो के 717 करोड़ के हो चुके हैं, मीन्स बेहतरीन अपसाइड स्टॉक्स के सेल्स में देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लें तो 36 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो के 288 करोड़ के हो चुके हैं, इसमें भी अच्छे इंक्रीजमेंट देखने को मिला आप देख सकते हो भाई। और जो भी स्टॉक आपको अच्छे इंक्रीजमेंट अपने क्वार्टर रिजल्ट्स में डिलीवर करके दे रहा है क्वार्टरली वाइज, वो आपको अच्छा रिटर्न्स भी जनरेट करके देगा, तो आप लोग इस दिग्गज स्टॉक्स में जोड़ पैसे लगाओ। अभी स्टॉक्स कुछ भी नहीं चल रहा है तो आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लोग एंजल वन लिमिटेड में अब तक पैसे नहीं लगाए तो जोड़ पैसे लगाओ भाई, बेहतरीन वेल्थ क्रिएट करके देगा दिग्गज स्टॉक। बट आपको पेशेंस रखना पड़े, स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए स्टेक लेके बैठना पड़ेगा, तभी जाकर एक अच्छी वेल्थ आप लोग जनरेट कर पाओगे। तो मैंने जो तीसरा आखिर देखे स्टॉक्स जो मार्केट कैपिटल आप लोग देख लीजिए 12,822 करोड़ का मार्केट कैपिटल का, मीन्स ये भी मिटका भी स्टॉक है, तो 40-50 हज़ार रुपये भी लगा के भूल जाते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो एक अच्छी वेल्थ यहाँ से जनरेट कर सकते हो। करंट प्राइस की बात करें तो 1227 का करंट प्राइस है, फिटाई की बात कर ले तो 1734 का 52 का आई और 52 वीक लो 1015 का। वहीं आरओई की बात किया जाए भाई तो 31.6% का आरओई, आरओसी 41.1% का, दोनों शानदार भाई आप लोग देख सकते हो। और डेप्ट की बात करें 0.29 मीन्स 29 लाख का डेप्ट है, और रिजर्व कितना है 988 करोड़ का रिजर्व है इस कंपनी के पास, मीन्स काफ़ी अच्छा रिजर्व है इनके पास, जो पॉजिटिव बात होती है। और डेप्ट फ्री कंपनी है, आप लोग पैसे लगा सकते हो इस दिग्गज स्टॉक में। और वहीं कंपनी के नाम की बात किया जाए तो सिडेसल इंडिया लिमिटेड बेहतरीन वेल्थ क्रिएटर स्टॉक, अगर आप लोग अब तक सिडेस्टल में पैसे नहीं लगाओ तो जोर पैसे लगाओ, स्टॉक है फ्यूचर मल्टी बैगर स्टॉक है, ऑनलाइन बिजनेस है भाई सिडेस्टल का, तो आप लोग को अच्छी वेल्थ है दिग्गज स्टॉक जोर जनरेट करके देगा। बट आपको इसके लिए पेशेंस रखना पड़े, और आप लोग जो भी पैसा सिडेस्टल इंडिया में लगाइए वो लॉन्ग टर्म के लगाइए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भाई आप लोग क्या ही रिटर्न बना पाओगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 100-150-200% रिटर्न बना पाओगे। अगर आप लोग सिडेसल में 8-10-12 साल के लिए इन्वेस्टेड रहोगे तो 80-100-150 गुना पैसा कर सकते हो भाई, ये गारंटेड है। बट इसके लिए पेशेंस आपको रखना पड़ेगा स्टॉक्स में। तो आप लोग इन तीनों दिग्गज स्टॉक्स में जो भी इन्वेस्टेड कीजिए भाई, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किए हुए हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, तभी जाकर एक मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट कर पाओगे। ये स्टॉक्स आपको बेहतरीन वेल्थ क्रिएट करके देंगे, इसमें 1% भी डाउट की बात नहीं है, बस आपको सब्र करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो मल्टी बैगर स्टॉक के साथ, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।